फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स गूगल सर्च कैंपेन के ऊपर हम एक वीडियो सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हमने जो लास्ट वीडियोस हैं उसमें जो कवर किया था वो कन्वर्जन हम कैसे रखेंगे, बिड और बिडिंग स्ट्रेटेजी, ऑडियंस हम किस तरीके से ले सकते हैं, गूगल सर्च कैंपेन हम बेसिकली कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये सारी वीडियोस हमने इन सब टॉपिक के ऊपर एक दो तीन वीडियोस हैं, तो वो जाकर के आप वो वीडियोस देखिए। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटेंशन के बारे में। तो एक्सटेंशन बेसिकली क्या होते हैं, जब तो मैं आपको बता दूं, जो ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन दो तरीके दो लेवल पर काम करता है, कैंपेन लेवल पर भी काम करता है और ग्रुप लेवल पर भी ये काम करता है। मतलब काम का मतलब यह है कि क्रिएट हम कैंपेन लेवल पर भी कर सकते हैं और ग्रुप लेवल पर भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन बेसिकली क्या होते हैं मैं आपको ये बता दूं, मतलब एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगर सर्च करता हूं एसयू कंपनी इन दिल्ली, तो आपको ये कुछ ऐड दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे फोन भी दिखाई दे रहे हैं, फोन नंबर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, लिंक दिखाई दे रहे हैं एक्स्ट्रा, और बाकी के ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक्सटेंशन ही है, और ये डिफरेंट डिफरेंट इनके नाम है, जैसे साइट लिंक एक्सटेंशन। तो साइट लिंक एक्सटेंशन बेसिकली यही है जो आपको लिंक दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। तो कॉल आउट एक्सटेंशन बेसिकली ये होते हैं जो आपको इस तरीके की फॉर्मेट में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कॉल आउट एक्सटेंशन ये होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, डिटेल में ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो कॉल एक्सटेंशन बेसिकली ये है कि अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं आप, जब ये मोबाइल डिवाइस से आप देख रहे होते हैं, तो जैसे ही इस नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये कॉलिंग पर ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि यहाँ पर डिटेल में और देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर डेटा स्निपेट है, ऐप एक्सटेंशन है। अगर आपका कोई ऐप है तो वहाँ पर आप अपना ऐप का जो प्ले स्टोर का लिंक है वो ऐड कर सकते हैं। लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, मैसेज एक्सटेंशन है, मैसेज का भी आप जैसे ही कॉल का लगाया था वैसे ही मैसेज का भी करा सकते हैं आप। तो प्रमोशन एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन है, प्राइस की भी रेंज आप दे सकते हैं कि आपका जो प्राइस प्रोडक्ट है वो आप कहां से कहां तक कितने इसका सेलिंग प्राइस है। लोकेशन एक्सटेंशन है, तो इस तरीके की आप ये जो एक्सटेंशन है उनका यूज कर सकते हैं। और इनका यूज करने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो एड है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, चांसेस हो जाते हैं कि ज्यादा कि यूजर फ्रेंडली उसे बना सके, कि यूजर्स को अच्छा लगे, यूजर की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो अप्रोच होती है वो देखने की, वहां पे वो उस अप्रोच में फिट हो सके। तो इस तरीके के हम एक्सटेंशन को यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। तो साइट लिंक एक्सटेंशन क्या होता है, जब आप साइट लिंक एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू साइट लिंक एक्सटेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि साइट लिंक टेक्स्ट में आप 25 करेक्टर और डिस्क्रिप्शन में आप 35 करेक्टर की लेंथ आप यूज कर सकते हैं और फाइनल यूआरएल यहाँ पे लगा सकते हैं। और साइट लिंक एक्सटेंशन बेसिकली आप यहाँ पे चार या पांच, बेसिक जनरली आप यहाँ पे चार एक्सटेंशन लेंगे तो बहुत है, चार लिंक। और तो लिंक क्या होते हैं, हम उन पेजेस को देते हैं जो हमारी वेबसाइट है और उस हेड से अदर जो प्रोडक्ट हैं उनसे उनके जो पेजेस हैं उनको यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ SEO PPC SMO का, तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ SEO, और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ बेस्ट SEO कंपनी। इस तरीके से जनरली मैं आपको समझाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में दूसरा हम सेट करेंगे साइट लिंक, दो तो एटलीस्ट हम बना देते हैं यहाँ पे, तो PPC हो गया, और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे बेस्ट PPC कंपनी, और यहाँ पे हम उसका लिंक दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फाइनल URL ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, दो लिंक बना करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसको। और अच्छा, दूसरे डिस्क्रिप्शन, ये दोनों जो डिस्क्रिप्शन है वो रिकमेंडेड होती हैं, वो आपको दोनों फिल करने ही पड़ेंगे। तो इसके करने के बाद में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे दो या तीन या चार जितने भी हैं आप अपना यहाँ पे लिंक बना सकते हैं, साइड लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉल आउट एक्सटेंशन, अब ये कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो चलिए कॉल आउट एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन हमें ऐड करने हैं, और यहाँ पे एटलीस्ट दो कॉल आउट एक्सटेंशन आपको देने हैं अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं एडवांस टेक एक्सपर्ट्स, यहाँ पे मैंने ये दे दिया है, दो कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पे दे दिए हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे तो
यहाँ पे हो जाएगा, और बाद में इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन हमने ऐड कर लिया है। थर्ड पे हम आते हैं अब कॉल एक्सटेंशन। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंडिया यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और जस्ट रैंडमली एक मैं फ़ोन नंबर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके के मैंने ये फ़ोन नंबर दे दिया है, और इसमें कॉल रिपोर्टिंग इज टर्न ऑन यूजिंग, ये इस तरीके से आप जो इसकी जो सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे और देख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल डिवाइसेस यहाँ पे सिलेक्शन करने देना मोबाइल का, और यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके के आप यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन भी आपने क्रिएट कर लिया है। अगर आप और ज़्यादा मतलब जैसे आपका ऐप है तो यहाँ पे आप अपना ऐप का एक्सटेंशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो ऐप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, अपना ऐप यहाँ पे सर्च करना होगा आपको। तो इस तरीके के आप अपना ऐप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, तो वो क्या होगा आपका गूगल जब आपके ऐड शो होगा तो वहाँ पर भी वो जिस तरीके से ये एक्सटेंशन अदर एक्सटेंशन शो होंगे तो वैसे ही वो आपका ऐप लिंक भी शो होगा। उससे क्या होगा वहाँ पर अपने प्ले स्टोर पर जाएगा, क्लिक करेगा तो प्ले स्टोर पर जाएगा और वहाँ से आपका ऐप डाउनलोड भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इस तरीके के आप ये सारी सेटिंग्स कैंपेन क्रिएट करने के साथ साथ में ये सेटिंग्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये हमारी सेटिंग्स फ्रेंड्स, हमारी सेटिंग ये पूरी हो चुकी हैं। अब इसको क्या करना है हमें, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने गूगल सर्च कैंपेन का एक कैंपेन क्रिएट कर लिया है। उसके बाद में ये अब आपको एड ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। जब आप कैंपेन चलाते हैं तो अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पेजेस को एक एक ग्रुप 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 वाइज करना पड़ता है उनको, तभी आपके कैंपेन चल पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के तो ये ग्रुप सेटिंग क्या होती है और ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो ये वीडियोज हम नेक्स्ट ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं उसको सोल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एड ग्रुप हम वहां पे सीखेंगे एड ग्रुप किस तरीके से क्रिएट करते हैं।